हे गाइस, हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जब हम अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं। सिचुएशन मतलब बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो, ठीक है, आपको कोई नई जॉब लग गई हो, ठीक है, आप किसी से मिले हो और मिलकर बहुत खुशी हुई हो, या फिर आपको आपके मम्मा ने जो खाना बनाया है वो है बहुत अच्छा लगा हो और आपको उसमें खुशी हो, ठीक है। सो बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास है लाइफ में खुश होने के लिए, लेकिन हम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सिर्फ हैप्पी 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 यूज करते रहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, वोकैबुलरी है, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम बार बार वही पुराना हैप्पी 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 क्यों यूज करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप अपनी लाइफ में अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास, चलिए स्वागत है ज्ञान नमन में, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश विद हेल्प ऑफ हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमारे पास ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक इडियम है और ये आप तब यूज कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, जब आपको लगे कि बस मैं तो अब इतना खुश हूं कि अब तो मैं बादलों में छा गया हूं, तब आप कह सकते हो कि ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, द टीम वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द मैच। द टीम वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द मैच। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओवर द मून। ओवर द मून भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, आपको लगे कि बस मैं इतना खुश हूं कि मैं तो बस चांद पर पहुंच गया हूं, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा खुश हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड वाज ओवर द मून व्हेन ही गॉट हिज न्यू बाइक। माय फ्रेंड वाज ओवर द मून व्हेन ही गॉट हिज न्यू बाइक। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसको एक नई बाइक मिली, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई वाज ओवर द मून व्हेन माय मदर बेक्ड मी अ केक। आई वाज ओवर द मून व्हेन माय मदर बेक्ड मी अ केक। जब मेरे मम्मा ने मेरे लिए केक बनाया तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी क्यों हुई, क्योंकि मैंने जब उनको बोला कि मेरा केक खाने का मन कर रहा है, उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सरप्राइजिंगली मेरे लिए एक केक बनाया। होता ना हमारे साथ ऐसा बहुत बार, ठीक है, मम्मा पहले मना कर देते हैं, बाद में अचानक से चीज पेश कर देते हैं, तो तब हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है। सो आई वॉज ओवर द मून व्हेन माय मदर बेक्ड मी अ केक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिलाइटेड। डिलाइटेड भी आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, We were delighted by the performance of our team. We were delighted by the performance of our team. हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। एक और एग्जांपल देते हैं, I know Maria will be delighted to see you. I know Maria will be delighted to see you. मैं जानता हूँ Maria तुम्हें देख के बहुत खुश होगी, ठीक है। Okay, next we have elated. Elated आप यूज कर सकते हो जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ओके, जब आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा उतावले हो तब आप कह सकते हो elated। इसकी एग्जांपल लेते हैं, आई एम सो elated अबाउट माई न्यू बिजनेस। मैं अपने नए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एलेक्स वॉज elated एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज हॉलीडे। एलेक्स अपनी छुट्टी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है। हम सब छुट्टी को लेकर खुश होते हैं, ठीक है, हमें छुट्टियां पसंद होती हैं, तो इसलिए हम खुशी अपने जाहिर करते हैं। सो एलेक्स भी अपनी छुट्टी को लेकर बहुत खुश है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियम है, जब आपको लगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश आप ही हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा खुश हो तब आप कह सकते हो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसी एग्जाम्पल देखते हैं, ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन शी एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल। जब उसने उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तब उसे लगा कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है, वो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट वी हैव थ्रिल्ड। थ्रिल्ड आप यूज करते हो जब आपके साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ होता है, ठीक है, आप बहुत खुश होते हो लेकिन आपके साथ बहुत कुछ एक रोमांचित चीज हुई होती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, मैथ्यूज थ्रिल्ड अस विद हिज स्टोरीज। मैथ्यूज थ्रिल्ड अस विद हिज स्टोरीज। मैथ्यूज ने अपनी कहानियों से हमें बहुत रोमांचित कर दिया, उसकी कहानियां हमें बहुत अच्छी लगी और उसने बहुत इंटरेस्टिंग वे से अपनी कहानियों को बताया, तो हम बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गए, हम बहुत ज्यादा खुश हुए। नेक्स्ट वी हैव प्लीज्ड। प्लीज का मतलब होता है बहुत खुश होना। जब हम किसी से मिलते हैं तब हम कहते हैं प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम कह सकते हैं शी वॉज प्लीज टू सी यू ड्यूरिंग द पार्टी। वो तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत खुश हुई, वो तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत खुश हुई। सो नेक्स्ट वी हैव हैप्पी बनी।
हैप्पी बनिए बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन है यूज करने के लिए। जब आपके साथ कुछ अभी अभी बहुत अच्छा हुआ होता है और आप वो जो सारा दिन है आई मीन वो जो सारा टाइम है वो बहुत खुश रहना चाहते हो और बहुत खुश रहते भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी रैंक फर्स्ट इन द क्लास सो शी इज अ हैप्पी बनी टूडे। शी रैंक फर्स्ट इन द क्लास सो शी इज अ हैप्पी बनी टूडे। वो क्लास में फर्स्ट आई है इसलिए आज वो एक हैप्पी बनी है, आज वो बहुत खुश है। ओके, तो आज के लिए इतने काफी है। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को सीखा है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना, आज के बाद वही पुराना हैप्पी हैप्पी मत यूज करते रहना, ठीक है। ये वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स यूज करना, एक्सप्रेशन यूज करना, सो दैट योर इंग्लिश मस्ट लुक वेरी इंप्रेसिव। ओके ओके, सो दिस एंड्स आवर वीडियो। इफ यू हैव लाइक माय वर्क प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ज्ञान नमन वेयर वी लर्न इंग्लिश विद हेल्प ऑफ हिंदी। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।